अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिसिज़ आसिया मरियम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानपुर। आज मेरा आपके साथ लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2, सेकंड क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। सबसे पहले बेटे हमारे आपके पास पेज नंबर 1 है, उसके ऊपर मैं एक दफ़ा दोबारा से बाइनोमियल सीरीज़ को खोलना सिखा देती हूँ। आपके पास यहाँ फार्मूला है, दो फार्मूले हैं जिनमें से एक आसान है, एक थोड़ा सा ज़रा टफ है। सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ए प्लस बी एक्स होल की पावर एन विच इज़ इक्वल टू एन कम्बिनेशन 1। ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, ए की पावर एन, पहले एन कम्बिनेशन 0 लिखेंगे, फिर जो उसकी पावर है, फिर पहले की पावर एन आ जाएगी, दूसरे की पावर 0 होगी, फिर प्लस लिखेंगे, फिर एन कम्बिनेशन 1 आ जाएगा, फिर पहले की पावर एन माइनस 1 और दूसरे की पावर 1, फिर प्लस एन कम्बिनेशन 2, ए की पावर एन माइनस 2 और बी की पावर 2, एन कम्बिनेशन 3, ए की पावर एन माइनस 3 और बी की 3 अप टू सो ऑन। ये इसको कहते हैं बाइनोमियल सीरीज़, इसमें लास्ट टर्म नहीं होगी, ठीक। या इसको लिख सकते हैं इक्वल करके, इसको लिख सकते हैं एन कम्बिनेशन 0 का मतलब है 1, ठीक। ए की पावर एन लिखा, बी की पावर 0, वैसे 1 हो गई, किसी चीज़ की पावर 0 1 हुआ करती है। नीचे आएगा 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। एन, फिर दूसरा एन कम्बिनेशन 1 की जगह क्या लिखा है इसको जब हमने खोला, विच इज़ इक्वल टू एन, फिर ए की एन माइनस 1, बी की 1, नीचे 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। एन कम्बिनेशन 2 को जब आपने कम्बिनेशन वाले फार्मूले से, फर्स्ट ईयर वाले फार्मूले से खोला, तो आपके पास जो चीज़ बचेगी वो है एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ए की एन माइनस 2, बी की 2 अप टू सो ऑन। या इसको दूसरा, इसका जो फार्मूला है वो बड़ा आसान है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि आप पहले को 1 बना लें, दूसरी टर्म जो भी होगी इससे आपको ए की पावर लेनी पड़ेगी और ए की नहीं लेनी पड़ेगी। 1 प्लस ए एक्स होल की पावर एन को हम इसे एक्सपेंड करते हैं, इसमें भी वैसे लिखा है एन कम्बिनेशन 0, ए एक्स की पावर, पहले की पावर एन कम्बिनेशन 0, पहले की पावर एन आनी थी वो आपने लिखा ही नहीं, दूसरे की पावर 0, फिर प्लस एन कम्बिनेशन 1, पहला 1 है, 1 की पावर कुछ भी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ए एक्स की पावर 1 प्लस एन कम्बिनेशन 2, ए एक्स की पावर 2 अप टू सो ऑन। इसको दोबारा सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से आपके पास सिर्फ क्या आएगा, 1 प्लस एन ए एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ए एक्स का स्केयर अप टू सो ऑन। ये आपके बाइनोमियल सीरीज़ जो कि आपको मैंने कहा था कि आपकी पहली 2 एक्सरसाइजेज में यूज़ होगी। आप कोशिश करें फार्मूले को सेम रखें ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो, दोनों कर लें तो तब भी कोई मसला नहीं है। चले बेटे नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, 2.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट बड़ा इजी पार्ट है, पेज नंबर 2 के ऊपर आप देख रहे हैं। स्टेप नंबर 1, वाई इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। स्टेप नंबर 1 में जैसे कल आपने किया था, इसके 4 स्टेप में रिप्लेस करेंगे बाय ए बी इनिशियो मेथड से, आपने इसको करना है, रिप्लेस करेंगे x को बाय x प्लस डेल्टा x एंड y को y प्लस डेल्टा y, देन वी हैव y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस डेल्टा x का होल स्केयर प्लस 1। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ x को चेंज करने लग जाते हैं, 2 को मल्टीप्लाई नहीं करते, बेटे 2 कॉमन आएगा और अंदर ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से आपकी गलतियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्केयर, ये स्केयर का वाला फार्मूला खुलेगा, ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला खुलेगा, साथ ही ओपन होगा, साथ ही आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट आपके पास स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, जब आपने माइनस किया तो आपके पास बच गया डेल्टा वाई, दूसरी साइड पे 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यू बची आपके पास वो है 2 इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू डेल्टा एक्स। स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ डेल्टा एक्स आपने साथ ही कॉमन ले लिया और नीचे से ऊपर से कॉमन लिया और नीचे के कैंसिल हो रहा है, आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो है 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 4x। लास्ट स्टेप आपके पास होता है, आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है, उसको लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 लिख दें या स्टेटमेंट की शक्ल में लिख दें, जैसे मैंने लिख दी है, टेकिंग लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स टेंड टू 0, जब आपने लिमिट अप्लाई की तो इस आपकी जो लेफ्ट साइड है उसमें बन गया dy by dx, राइट साइड में जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स था वहाँ आपने उसकी वैल्यू पुट की इक्वल टू 0, तो वो आपके पास जो वैल्यू आंसर आ रहा है वो सिर्फ बच रहा है 4x।
इसको हम पावर रूल से देख लेते हैं। साइड में मैंने लिख दिया है पावर रूल, विच इक्वेशन आपके पास थी, क्वेश्चन था वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब आप इसको पावर रूल से करेंगे, सबसे पहले इस तरफ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी तरफ टू कॉन्स्टेंट है वो वैसे का वैसे रहेगा, डेरिवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से क्या होगा, पावर नीचे उतरेगी। पावर के बगैर फंक्शन लिखेंगे, पावर में से एक कम किया तो टू माइनस वन वन नहीं बचा, उसके बाद विदाउट पावर आपने एक्स का डेरिवेटिव लिया विच इज इक्वल टू वन, उसके बाद नेक्स्ट प्लस वन, वन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आप पीछे कर चुके हैं कल के पिछले लेक्चर में विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट आ रहा है वो है फोर एक्स, यही आपने ऊपर फोर स्टेप से भी किया है। ठीक, चलें बेटे नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन का ही थर्ड पार्ट है, वाई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स की जजर, एक्स अंडर रूट, आप इसको अंडर रूट समेत भी कर सकते हैं या आप इसको ऊपर लेके जाना चाहें तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, जैसे मैंने किया है कि एक्स की पावर माइनस वन बाई टू लिख दिया है, इसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप नंबर वन में क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई, यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर माइनस वन बाई टू। स्टेप नंबर सेकेंड में हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई, इनको सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा डेल्टा वाई, दूसरी तरफ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर माइनस वन बाई टू माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। इसमें से आपने डेल्टा एक्स, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, आप कोशिश करें कि माइनस के बाद जो वैल्यू आ रही है आप उस चीज़ को पहले में से भी कॉमन ले लें, वो आपने जब कॉमन लिया इकट्ठा ही मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, विच इज इक्वल टू एक्स की माइनस वन बाई टू, अंदर है आपके पास वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल की पावर माइनस वन वन बाई टू, ये एक वैल्यू है, माइनस वन ये जो एक्स की माइनस वन बाई टू सेकेंड में से कॉमन लिया ये उसमें से माइनस वन बचा है। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप है जिसमें आपने डेल्टा एक्स को डिवाइड करना होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, नीचे डेल्टा एक्स, ये वैल्यू आपके पास आ रही है। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बाई बाइनोमियल सीरीज से, जैसे अभी हमने पीछे देखी है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल के दूसरी तरफ एक्स की माइनस वन बाई टू डेल्टा एक्स, एक्सपेंड करेंगे तो पहले आ जाएगा वन, फिर प्लस, फिर पावर आएगी, पावर क्या है माइनस वन बाई टू, फिर सेकेंड फंक्शन डेल्टा एक्स ओवर एक्स, फिर प्लस पावर आएगी माइनस वन बाई टू, फिर पावर में से एक कम, डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्केयर अप टू सो ऑन, लास्ट में मैंने माइनस वन लिखा है, ये माइनस वन वो है जो सेकंड वाले एक्स की माइनस वन बाई टू को कॉमन लेने से आया था। अब ये लास्ट वाला माइनस वन पहले वाले वन से कैंसिल हो जाएगा, इसको आपने सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, नेक्स्ट पेज पे आपने डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया था और उसमें आपके होल इक्वेशंस जो आ रही है आपकी राइट साइड पे, उसमें से डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स जो है वो हर फैक्टर में कॉमन आ रहा है, आपने इस चीज़ को कॉमन ले लिया। जब आपने कॉमन लिया तो ये इसे नीचे वाले डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो रहा है। अगला स्टेप आपके पास, लास्ट स्टेप क्या होता है, आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो। जैसे आपने लिमिट अप्लाई की, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स था वहाँ वहाँ जीरो होना शुरू हो गया, उसमें सिर्फ फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट टर्म जो है वो उसमें जीरो नहीं था, लिहाजा वो बची है, बाकी सारे के सारे जीरो हो गए। आपने नीचे जो बटे में एक्स था उसको उठा के मैं ऊपर ले गई, उसको हम ऊपर ले गए हैं। आपको पता है जब नीचे से वैल्यू ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो वो अपना साइन चेंज करती है। अब नीचे एक्स था उसकी पावर वन थी, ऊपर गया तो इसकी पावर माइनस वन बाई टू हो गई। बाकी सिंप्लीफाई किया, आपने देखा सारे के सारे जीरो हो रहे हैं, वैल्यू क्या बच रही है माइनस वन बाई टू, एक्स की माइनस वन बाई टू माइनस वन, ये कैसे लिखा, चूँकि बेस सेम थी लिहाजा पावर ऐड हो गई। टोटल आंसर आपके पास क्या आया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स की माइनस थ्री बाई टू। अगर आप इसको पावर रूल से देखते हैं तो क्वेश्चन है आपके पास वाई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स अंडर रूट, या जैसे अभी मैंने इसको लिखा था वाई इज इक्वल टू एक्स की माइनस वन बाई टू भी लिख सकते हैं। पावर रूल में क्या होगा, पावर नीचे उतरी, पावर के बगैर फंक्शन लिखा, उस पावर में से आपने कम किया, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, विदाउट पावर फंक्शन में है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव लिया वन, लिहाजा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो चीज़ आ रही है रिजल्ट वो है माइनस वन बाई टू एक्स की माइनस थ्री बाई टू। इसको आप अपने आंसर से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 है हमारे पास, उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तब भी हो जाएगी, सारी की सारी एक्सरसाइज एक ही मेथड पे मुश्तमिल है, इसी एग्जाम्पल से इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी सॉल्व। पेज नंबर 52 के ऊपर एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू वन ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर n। ये मैंने बटे वाली वैल्यू इसलिए ली है कि इससे ऊपर वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, जिनकी वैल्यू ऊपर है वो भी इसी मेथड से होंगे। चाहे मैंने आपसे कल क्या डिस्कस किया था हमने कि पावर चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे बटे में हो, चाहे बगैर बटे के हो, रैशनल इरेशनल, ये सब को सेम मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपके पास है वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन, इसको लिखा ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस एन, इसको मैं ऊपर ले गई हूँ। ठीक, स्टेप नंबर
वन में आपने क्या किया, रिप्लेस करते हैं, जैसे ये या आपको याद हो चुके होंगे, स्टेटमेंट में नहीं लिख रही y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, जहाँ x था उसको आपने चेंज किया, प्लस b होल की पावर माइनस n। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं आप, 2 माइनस 1 करते हैं, जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो y से y कैंसिल, a को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ax प्लस a डेल्टा x प्लस b होल की पावर माइनस n माइनस ax प्लस b होल की पावर माइनस n। आपसे क्या कहा था कि जो माइनस के बाद जो वैल्यू आ रही है आप कोशिश करें उसको कॉमन ले लें, मतलब दोनों को बायनोमियल से खोलना पड़ेगा, ठीक। जो माइनस के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है ax प्लस b, ये आप फर्स्ट में ढूंढें, फर्स्ट में ax प्लस b को मैंने अरेंज कर लिया, तरतीब से लिख रही है, प्लस में इधर उधर करने से आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने जब ax प्लस b को कॉमन लिया वो अपनी पावर समेत बाहर आ गया, पावर है इसकी माइनस वन बाई टू, फिर आगे जो वैल्यू बची है वो ए एक्स प्लस बी की जगह वन आ गया, प्लस ए डेल्टा एक्स के साथ ए एक्स प्लस बी का फैक्टर नहीं था, लिहाजा ए एक्स प्लस बी इसके नीचे डिवाइड हो गया, होल की पावर माइनस वन माइनस एन, माइनस अगली वैल्यू भी आपने लिख ली है। अब इसी चीज़ को दोनों में फैक्टर ये कॉमन आ रहा है, लिहाजा आपने ये फैक्टर जो है वो कॉमन ले लिया और वैल्यू आपके पास आ गई है वन प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस एन माइनस वन। स्टेप नंबर 3 में आपके पास है ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस एन, इसमें मैंने डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिए, ठीक। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय बाइनोमियल सीरीज, वो आपको पता है बाइनोमियल सीरीज से कैसे एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले आप 1 लिखते हैं, फिर प्लस फार्मूला सेम बना चुके हैं, फिर पावर नीचे उतारी, फिर विदाउट जो अगला क्वेश्चन है उसका सेकेंड वो लिखा ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस प्लस पावर लिखी, पावर में से कम किया, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लिखा, फिर a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, ये आपने ऐसे लिख लिया लास्ट तक माइनस 1, पहले वाला 1 लास्ट वाले माइनस 1 से कैंसिल हो चुका है। अब आपने इसमें से फैक्टर जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया, इसके तीसरे स्टेप में जो फैक्टर कॉमन आ रहा है a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी, ये सारी वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा है, आपने इसको बाहर निकाल लिया। जब आपने इसको बाहर निकाला तो डेल्टा x और x जो है वो आप डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स जो है वो सिंप्लीफाई हो चुके हैं, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है। लास्ट स्टेप क्या होता है, आपका लिमिट अप्लाई करनी होती है डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई की तो उसमें सारी की सारी वैल्यू जीरो हो गई सिवाय फर्स्ट टर्म के, फर्स्ट टर्म को आपने बाहर निकाल लिया और जो नीचे वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर वैल्यू थी, आप इसको ऊपर ले गए ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस वन, अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, आंसर आया माइनस एन ए और ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस एन माइनस वन। अब इसको पावर रूल से देखते हैं, पावर रूल क्या है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस एन, कैसे किया आपने, सबसे पहले पावर नीचे उतारनी है माइनस एन, फिर ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस एन माइनस वन, पावर में से एक कम किया, फिर विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, वो क्या है ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ इसको दोबारा लिखा, अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए कॉन्स्टेंट है वो कॉमन आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ आएगा वेरिएबल का वो एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस बी, बी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, लिहाजा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास क्या आ रहा है, माइनस एन ए प्लस माइनस एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस एन माइनस वन, ये आपका रिजल्ट, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। ये दो एक्सरसाइज हो चुकी हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।